ओए होए होए होए, मैं कहाँ जाऊं, किसको खाऊं, इतने सारे जानवर और मैं अकेला। हाँ ये रहा ना मेरा मटन फ्राई, निहारी पाए, मटन कढ़ाई, टिक्के, सही शुगर लगेगा, सही पार्टी करेंगे। तू तो जाएगा ना पुत्र मेरे पेट में, सही तुझे खाऊंगा मैं। अम्मा जितना बोलती रहेंगे गरीबों को दो, मुझसे बड़ा गरीब किधर है। यही तो मजे है जीत के, खाओ पियो और ऐश करो। क्या है बकरा ईद, माना मैं एक बहुत बड़े घर से हूँ, लेकिन इतनी क्या जरूरत है, इतने पैसे खर्चने की क्या जरूरत है? 25,000, 30,000, 100-200 दे के फारिग नहीं कर सकते इस काम को? क्या ये बनाया है किसने ये रस्म, ये बकरा ईद है क्या, ये चीज कहाँ आ गया हूँ मैं, ये इस चीज के पीछे मैं ख्वार होने आ गया हूँ यहाँ, इसके इसके लिए मैं इतने पैसे दूँ, ये इस चीज के लिए क्या मुसीबत बन गई है कुर्बानी मेरे लिए। महंगाई तो बहुत है, लेकिन बकरा तो लेना पड़ेगा, कर्ज भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। 25,000, 30,000, 35,000, यार ये तो लेना, लेकिन लाजमी लेना है, जो ना कट जाएगी, कर्ज भी लेना पड़े तो जरूर लूंगा, माशरे में तो बदनामी हो जाएगी मेरी, तो उनको पता चल जाएगा मैं गरीब हूँ, मेरे तो इज्जत ही नहीं रहनी, पर लाजमी मैंने लेना ही लेना है, मैं सीधे से कर्ज ले लूंगा। बकरा नहीं काम करेगा। हाँ ये गाय, ये मंच, ये है चीज, ये इससे तो यार ससुराल वाले इतने खुश हो जाएंगे, वरना तो रिश्तेदार वाले नाक कट जाएगी, ये ही लेंगे बस, ये ही फिट चीज है। ओह वो जबरदस्त, ओह वाह वाह, क्या जानवर है, ओह कितना सोना जानवर है तू, तू ही मेरी इज्जत रखेगा, जब देखेंगे ना ससुराल वाले, ओहो इतने सारे जानवर, सारे कट जाएंगे, सारे मर जाएंगे, खा जाएंगे सारे गोश्त को, यार किधर जाऊं मैं, क्या करूं अभी, मैं कैसे बचाऊं इन मस्कीन जानवरों को। मेरे प्यारे बकरे, क्या होगा यार तेरा भी, तू भी इन जालिमों के हाथों कट जाएगा। चल मे यू रेस्ट इन पीसेस, मैं चला बिग मैक खाने। कुर्बानी का मकसद अल्लाह सुब्हानहु ताला के हाँ ये नहीं था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये कहा जाए कि वो अपने बेटे को, अपने एक ही इकलौते बेटे को कत्ल कर दे। मकसद असल में ये था कि चेक करना था या टेस्ट करना था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनके दिल में उनके बेटे की भरपूर मोहब्बत थी, क्या अल्लाह की मोहब्बत उनको उनके बेटे से ज़्यादा थी या नहीं। क्योंकि मोमिनीन के बारे में अल्लाह सुब्हानहु ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, यानी जो ईमान लाए हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हुआ करते हैं, यानी दोज़ हु बिलीव दे आर एक्सट्रीम इन देयर लव फॉर अल्लाह। तो देखना यह था कि उनके दिल में क्या बेटे की मोहब्बत रहेगी या अल्लाह की मोहब्बत। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इस टेस्ट में कामयाब हो गए, तो अल्लाह सुब्हानहु ताला ने वो जो ऑर्डर था बेटे को ज़बह करने का, उसको लिफ्ट कर दिया और वो रिमूव हो गया उनसे। हमारे लिए इसमें क्या नसीहत है? हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो इसमें लेसन है वो ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह सुब्हानहु ताला की इबादत से, अल्लाह सुब्हानहु ताला की मोहब्बत से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हाँ भाई, प्यारे भाई एक बात करूँगा, खफा ना होना ठीक है भाई, इस बार सिर्फ कुर्बानी करोगे या फिर नबी के सुन्नत पे भी अमल करना है, क्या इरादा है भाइयों का? यार कितना गलत सोचता था मैं, इट्स नॉट द मीट एंड ब्लड दैट रीचेस अल्लाह, बट इट इज आवर इंटेंशंस एंड आवर पाइटी। हाँ कुर्बानी तो अल्लाह के लिए होनी चाहिए, ससुराल वाले तो अल्लाह ताला तो उनको भी राजी कर लेगा। कर्ज लेके भी क्या कुर्बानी होती है, अस्तग़फिरुल्लाह, कहने दो जो लोग कहते हैं। अल्लाह ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, बंगला, गाड़ी, फैक्ट्रीज, और मैं अल्लाह की राह में एक बकरा नहीं कुर्बान कर सकता, शर्म आनी चाहिए मुझे। बात तो सही है, मैं कितना बकरा खा लूँगा, इस दफा गरीबों को देता हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह मुझे और देगा। क्यों भाई, क्या समझे हो भाई, समझ आई?
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس عید پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا نماز پانچ وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے؟ کیا قرآن میں زیادہ دل لگائیں گے؟ کیا فیس بک کو کم استعمال کرنا شروع کریں گے؟ کیا بری باتوں، غیبت اور اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کریں گے؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس عید پر بکرے کے علاوہ آپ کیا قربان کریں؟ ذرا سوچیے. یوسف بھائی کتنے جا رہے ہو؟ بکرے تو لیندے جاؤ.